नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अमर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उत्तराखंड विजन। आज चल रहे हैं हम काशीपुर और हमारे साथ चल रहे हैं मुक्को लाल का जंक्शन में पहुंच चुके हैं। सीधे यहां से निकलेंगे काशीपुर के लिए। ये हमारे वहां का जंक्शन। तो गाइज फाइनली हमने ना टिकट तो ले लिए काशीपुर के लिए, और दो टिकट लिए हमने काशीपुर के लिए, और सीधे चलते हैं ट्रेन के पास। मित्रों हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और ट्रेन भी चल दी है यहाँ से। अब तो भाई हमारी ट्रेन तो यहाँ से चल पड़ी है लालका जंक्शन से। भाई हमारी ट्रेन तो यहाँ से चल पड़ी है छिक 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 लाल का जंक्शन से। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं काशीपुर में। अब निकलते हैं यहाँ से। फाइनली हम पहुँच चुके हैं काशीपुर रेलवे स्टेशन पे। अब यहाँ से जाएंगे सीधे हम चैती के लिए। यह है रेलवे स्टेशन काशीपुर का कुछ इस तरह से नज़ारा। सवारी उतर चुकी हैं, अब यहाँ से लेना होगा हमें ऑटो। तो भाई ना हमको फाइनली यहाँ पर ई रिक्शा मिल चुका है, और आज हमारी ना बहुत दिनों की तमन्ना भी पूर्ण हो गई है, क्योंकि ना बहुत दिनों से सोच रहे थे ई रिक्शा में बैठ के कुछ एक ट्रैवलिंग करी जाए थोड़ा सा लॉन्ग। तो आज वो तमन्ना भी हमारी पूरी हो चुकी है। तो भाई फाइनली हम ना यहाँ पर पहुँच चुके हैं काशीपुर में। झूले तो काफ़ी आए हैं, लेकिन ना पब्लिक यहाँ पर अब शाम के ही वक्त आ रही है, दिन के वक्त तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। पब्लिक तो यहाँ पर देख सकते यार बिल्कुल नहीं आ रही। बड़े बड़े झूले यहाँ पर लगे हैं काशीपुर में इस समय हम, और यहाँ पे जो है चैती मेला लगा है। पूरे झूले यहाँ पर खाली पड़े हैं, पूरा मेला जो है रात का बचा हुआ है, दिन का नहीं आ रहा है यहाँ पे। एक तो धूप हो गई है, दूसरा ना गेहूँ का टाइम करे अभी काम चालू हो गया है, तो इस समय कोई नहीं आ रहा। बड़े बड़े कैमरे वगैरह लाए थे पूरा मेला, लेकिन इसके बावजूद भी दिन में यहाँ पर कुछ ही लोग दिख रहे हैं। और चलते हैं आगे को। एक ये चीज़ आपको यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलेगी, बहुत ही जबरदस्त है। आके देखते हैं डबल तरीके से चल रहा है यार। ये चलते कैसे है, ये गोल करके है? हाँ। तो यार ये कुछ नई तरीके की चीजें हैं यहाँ पे। अभी तो यहाँ पर कोई चल रहा है, हम इसका मौका मुआयना कर रहे हैं। दिन में लौंका नहीं आने का कारण कुछ भी हो सकता है, गर्मी भी हो सकती है, और थोड़ा सा काफ़ी अधिक संख्या में धूप भी हो सकती है, और तो कुछ काम भी लोगों के यहाँ पर चालू हो गए हैं गेहूँ का टाइम पर है। और इस समय जो है ना ये सीटें भी काफ़ी गर्म हो जा रही है, अगर कोई बैठ रहा भी तो उसमें उसे काफ़ी गर्मी का एहसास होगा, नीचे से बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। अब शाम के वक्त थोड़ा सा ये भी ठंडी पड़ जाएंगी। इसी प्रकार से ये भी है एक हमारा, शायद ये कुछ ठंडी रही होगी, थोड़ा बैठ के देखते हैं। इसी तरीके से हल्द्वानी में भी जब वॉइस में
वाले आते हैं ना, इस प्रकार के तो नहीं आते, लेकिन वो काफ़ी हाइट वाले होते हैं। यहाँ से दो चार झूले जो है कुछ नए टाइप के भी देखने के लिए मिले। आजकल इनमें यार बैठने में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इंतज़ार करते हैं शाम के 6 बजने का, 6 बजने के बाद ये चालू हो जाएंगे। और ये बच्चों का तालाब वाला एक यहाँ पर सिस्टम है, लेकिन अभी के काम का कुछ भी नहीं है, जो भी होना है शाम तक ही होगा, शाम का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो हमारा चुना लग चुका है भाई। तो यार ये वो चीज़ थी जहाँ पर 80 रुपये यहाँ पर इसको लेके जाते रहे, और ये जब होने हैं तब 6 बजे के बाद ही चलो। और शायद एक मौत का कुआं भी वहाँ पर हमें दिख रहा है, ये है ना मौत का कुआं। यहाँ पर जो है गाड़ियाँ कार वगैरह सब एक साथ चलते हैं, तो लेकिन इसके लिए भी आपको 6 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 6 बजे के बाद ही जो भी यहाँ पर सीन देखा जाएगा 6 बजे के बाद ही देखा जाएगा। 6 बजे से पहले तो ना लोग यहाँ पर सोए हैं, जो लोग भी यहाँ चलाते हैं रात भर यहाँ पर मेला चलता है। ये जो ये लगे हैं ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र नहीं है, रात को ना इसमें जो चलने का मज़ा है उसका मज़ा भी तिगुना चौगुना हो जाता है चैती मेले में। और इस तरह की गाड़ियाँ अगर चलेंगी ना इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और आपको दिखाते हैं पूरा मेले का सीन। मेले में देखो ना झूलों की कहीं कमी नहीं है, इतने झूले हैं। और मौत का कुआं तो यार बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये। तो गाइस यार हमारा तो यहाँ पर ना धुआं निकल गया, क्योंकि दोपहर के टाइम में हम यहाँ पर आए और यहाँ पर आज हमें कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा, क्योंकि जो भी अब मेला है केवल रात रात का ही चल रहा है, दिन में यहाँ पर कुछ नहीं चल रहा है ऐसा लोगों ने बताया। और देखने में भी यही आ रहा है, जो भी चीज़ दिख रही है यहाँ पर सब खाली खाली दिख रही है, लेकिन झूले इतने ज़्यादा अधिक संख्या में हैं। आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से इन्हें लगाए होंगे, इतने झूले का अनुमान लगा सकते हैं, जब इतने झूले लगे हैं तो यहाँ पर पब्लिक कितनी आती होगी। और ये देख सकते हैं, लेकिन इसमें चलने का टाइम भी इसका 6 बजे का है, शाम को 6 बजे ही चलेगा। काम करते हो हैं क्या, मेला देखने आए हो? काम करते हैं। क्या काम करते हो? अच्छा, तो भाई यहाँ पे ना झूलों की कोई कमी नहीं है, और लेकिन यहाँ पे अभी जो मेला चलेगा उसका टाइम चेंज कर दिया है, इसका टाइम हो गया शाम के 6 बजे से चलेगा। यार गलती हमारी भी, कई लोग जानने वाले थे लेकिन उनसे हमने पूछ लेना था कितने बजे से चला, लेकिन उन्होंने हमें बताया था कि 24 घंटे का मेला चल रहा है, ये नहीं बताया था कि यार समय बंद भी हो रहा है। सो गाइस जब हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, इसका अगला पार्ट आपको चैती मेला पार्ट 2 में देखने के लिए मिलेगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के अवश्य बताएं। जो लोग भी चैनल में नए हो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की ना नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, वंदे मातरम, जय भारत, जय उत्तराखंड।